लेकिन बोलते हैं हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। क्या हालचाल भाई साहब? तो बड़े शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं कोलकाता से ब्लू को लेके, ब्लू ये ठीक है, ब्लू को लेके कोलकाता से आ चुका हूँ अपने गांव। और अभी गांव आने के बाद गांव का अपने घर का सीन दिखा देता हूँ। पहले तो घर के बाहर के सराउंडिंग का सीन देते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा तगड़ा हुआ है कि घर में एक है हमारे रॉटवाइलर, और उसके साथ क्या सीन हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले आपको अपने घर का पूरा सराउंडिंग दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा गाँव, और हमारा जो मकान है ये गांव से थोड़ा सा बाहर बनाया हम लोगों ने। तो ये मकान हमारा गांव से बाहर है ये, ठीक है। पीछे भी पूरे खेती खेत हैं, इधर पूरे खेत हैं, बीच में हमारा घर है, और ये सामने से मेन रोड जा रही है। उधर से ये सीधी रोड आ रही है, पतली सी रोड आ रही है, मतलब कि 12 फीट की रोड है, इतनी ज़्यादा है। और घर दिखाता हूँ भाई, किसान आदमी है तो घर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये घर है हमारे, ठीक है। पशु हैं ये पूरे, ये अभी तो धान धून का था, सारी चीज़ें जो भी थी ये। बाकी ये पीछे का ये पूरा, ये जो पापा ने लगा रखे हैं सारे ये पेड़, आम के पेड़ लगाए, अमरूद का भी है, नीम के भी हैं, लीची का भी है, थोड़ा सा गन्ना इधर बोया है पापा ने। बाकी ये साग सूख जो लगाया, ये थोड़ा गार्डन पोर्शन है, अभी इसके अंदर कुछ मेरे ख्याल से लगाया नहीं है, अभी थोड़ा बहुत जो भी लगा हुआ है ये तो घर है मेरा। और मैं आपको बताऊं कि अभी यहाँ पे आते ही सीन ये हो गया कि हमारे पास जो रॉटवाइलर है, एक्चुअली वो थोड़ा मिक्स है वो रॉटवाइलर तो, लेकिन बहुत एग्रेसिव ठीक ठाक है। पहले मेरे साथ उसकी बॉन्डिंग मेरे साथ ठीक रहती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कम आता हूँ तो मेरे साथ ठीक ठाक था उसका। इस बार आया हूँ ब्लू को लेके, ये बहन जी, इस बार ब्लू को लेके आया हूँ। और इस बार क्या ही सीन किया भाई साहब, मेरे पे भौंक पड़ी वो, और भौंकी गया, गुर्रा रही थी मेरे को, मैं डर गया भाई, मेरे को डर लगे कि रॉटवाइलर कुछ भी हो, मतलब कि तो वो एग्रेशन तो है ही ना रॉटवाइलर का, और बच्चे देने वाली है, मतलब 5-7 दिन में मेरे ख्याल से बच्चे दे देगी। मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ उसका क्या सीन है। और भाई साहब उसने जो ब्लू को दबा के रखा, उसने बोला कि भाई साहब तुमको हिलने ना देंगे बाबू जी। दिखाता हूँ मैं आपको अभी, ये सारे पशु होंगे हमारे, ये पशु के बच्चे, ये भी अभी बच्चे नहीं दिए, ये गाय ने भी बच्चे नहीं दिए, वो जो दो भैंस हैं उन्होंने बच्चे दे रखे हैं, और ये बच्चे हैं इसके। और मैं आपको दिखाता हूँ, वो बैठी हमारी माँ, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। मैं पहले अपनी माँ को दिखा दूँ, इस औरत ने क्या काम किया था 1998 में, जिस टाइम डॉग्स का इतना पता नहीं था, और जर्मन शेपर्ड भी अभी ज़्यादा साल नहीं हुए थे इंट्रोड्यूस हुए, और इसने 5000 का जर्मन शेपर्ड उस टाइम खरीदा था, जबकि कुत्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। इट मीन्स कि उस टाइम के 5000 और आज के 65,000-70,000 के अप्रॉक्स बराबर ही है। और जो वो ब्रीड थी, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोलो कि एकदम प्योर ब्रीड खरीदी थी, जो कि अब तो हम लोग ढूंढते हैं, उस टाइम मतलब कि अचानक मिल गई थी हमको, और क्या ही उसके बराबर फिर कुत्ता दोबारा मिला नहीं है। और अब मिलवाता हूँ एक खतरनाक प्राणी से, ये है वो खतरनाक प्राणी जो आज तक मेरे को भौंकती नहीं थी, इस बार मेरे को भौंकना स्टार्ट किया है। मैगी, और बेचारे देखो स्वैग से स्वागत किया गया ब्लू का। देखो क्या स्वैग है, ठीक है। बंदी ने एकदम सीधा बोल दिया कि ये मेरी टेरिटरी है, ये देख। और ये बच्चे देने वाली है अभी 5-6 दिन में। मैगी क्या बेटा है, 5-6 दिन में बच्चे दे देगी। शांत हो जाए बेटा, शांत हो जाए, क्या ही सीन है भाई साहब। ये है इसका खूंखार प्राणी का मालिक, जरा पास जाइए इसके, देख। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, आज तक तो मेरे साथ सही थी, लेकिन
सही है भाई।